भारत में जयचंद का नाम गद्दारों की सूची में सबसे ऊपर लिया जाता है। कहते हैं कि उसकी गद्दारी के कारण ही भारत में मुस्लिम शासन प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात ही भारत गुलामी की ओर अग्रसर हो गया। पर क्या वाकई ऐसा था और इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। तत्कालीन समय में भारत बेहद ही संपन्न राष्ट्र था और 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इस पर हमला किया था। उस वक्त दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान थे और उन्होंने दूसरे राजाओं के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को भारत से भगाने पर विवश कर दिया। कहते हैं इस हार को मोहम्मद गौरी पचा नहीं पाया था और पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने का मौका बड़ी शिद्दत से ढूंढने लगा था। इस कड़ी को यहीं छोड़कर इस कहानी के दूसरे भाग यानी प्रेम कहानी की ओर बढ़ते हैं। इतिहास की मशहूर प्रेम कहानियों में पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी भी गिनी जाती है और यही प्रेम कहानी एक माध्यम बनी जिसके फलस्वरूप आगे आने वाला इतिहास पूरी तरह बदल गया। कहते हैं संयोगिता के पिता राजा जयचंद पृथ्वीराज से किसी भी रिश्ते के पूरी तरह खिलाफ थे, किंतु जयचंद की मर्जी के खिलाफ जाकर पृथ्वीराज ने संयोगिता को उनके राज्य से अगवा कर लिया। जयचंद ने पृथ्वीराज की इस हरकत को अपना अपमान समझा और उन दोनों का आपसी रिलेशन इससे दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। कहते हैं जयचंद ने इसके खिलाफ पृथ्वीराज पर आक्रमण भी किया था, लेकिन तब उन्हें जीत नहीं मिली थी। हालांकि दुश्मनी कम नहीं हुई और दिन पर दिन बढ़ती ही गई। यह भी कहा जाता है कि जयचंद के प्रभाव में तमाम दूसरे राजपूत राजा भी थे जिन्होंने पृथ्वीराज का साथ छोड़ दिया था। इस बदले की राजनीति के कारण पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के खिलाफ अकेले पड़ते चले गए। बावजूद इसके वह तमाम राजाओं में सबसे मजबूत और सबसे बहादुर योद्धा के तौर पर गिने जाते थे। जयचंद ने जब यह भाप लिया कि पृथ्वीराज उनके और दूसरे राजपूत राजाओं के दबाव में नहीं आएंगे और चाहकर भी जयचंद उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तब जयचंद ने मोहम्मद गौरी को सैन्य मदद के साथ भारत पर हमला करने का न्योता दे डाला। ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज ने एक बार फिर दूसरे राजपूत राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन जयचंद के प्रभाव में कोई भी राजा पृथ्वीराज के साथ खड़ा नहीं हुआ। बल्कि कहा तो यह भी जाता है कि उनमें से कई गौरी के साथ ही जा मिले थे। हालांकि इन सब के बावजूद पृथ्वीराज के पास 300,000 से अधिक की सैन्य ताकत थी, जबकि मोहम्मद गौरी के पास मात्र 225,000 सैनिक ही थे। तराइन की दूसरी लड़ाई हुई और शुरू में पृथ्वीराज बढ़ते चले गए, पर मुश्किल तब आई जब मोहम्मद गौरी के घुड़सवारों सैनिकों ने अपनी तीरंदाजी से युद्ध का पासा पलट दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज के हाथियों पर वार करना शुरू किया और हाथियों ने खुद पृथ्वीराज की अपनी ही सेना को तहस नहस कर दिया। अंत में पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में बड़ी हार हुई और उसके आगे की कहानी हमें पता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सभा में मौत का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस प्रचलित कहानी पर तमाम इतिहासकार एक मत नहीं है और साक्ष्यों के क्षेत्र पर बात की जाए तो संयोगिता का हरण और उनसे प्रेम के अतिरिक्त जयचंद द्वारा मोहम्मद गौरी को न्योता देने की बात भी ठीक ढंग से ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। परंतु इतिहास हमेशा ठीक बात ही बताता है, जबकि कई बार समाज में प्रचलित बातें सत्य का प्रतिरूप होती है। आपको जयचंद की यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताएं। ऐसे ही और ऐतिहासिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।